नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर बनाम मुंबई इंडियंस का जो मैच खेला जाना है 13 अप्रैल 2021 को। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि कल का मैच बहुत ही शानदार हुआ था, जिसमें दोस्तों केएल राहुल अपनी टीम को आखिरी बॉल पर विन करा दिए थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो क्रिस मॉरिस 16.2 करोड़ में खरीदे गए थे, क्या वो कल 16 करोड़ का काम किए हैं? दोस्तों, क्रिस मॉरिस को दो बॉल मिला और वो दोनों बॉल वेस्ट कर दिए, यानी कि सिंगल ले लिए। एक अकेला संजू सैमसन लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन आखिरी बॉल पे पराजित हो गया, जिसके वजह से राजस्थान रॉयल की टीम आखिरी गेंद पर हार गई। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए बैटिंग के दम पर मैच जीतना चाहा, लेकिन बॉलिंग में टोटली तरह से फ्लॉप हो गई, चाहे वो अश्वदीप सिंह हो चाहे वो मोहम्मद शमी हो। दोस्तों, आज का ये जो मैच है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले प्रेडिक्शन दे देंगे कोलकाता नाइट राइडर बनाम मुंबई इंडियंस, वो लोग क्या करेंगे आखिरी मैच में स्टेट्स देंगे। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं भैया आप स्टेट्स क्यों नहीं देते हो, यहाँ पे स्टेट्स देंगे कि भाई आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने इतना रन मारा था। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने 26 पॉइंट दिया था, तो क्या जरूरी है कि रोहित शर्मा इस मैच में भी 26 पॉइंट देंगे? क्या जो आखिरी मैच में जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस दिए थे, जो प्लेयर जितने पॉइंट किए थे, वो इस मैच में भी करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रेडिक्शन फेल है। तो दोस्तों, मैं यही मानता हूँ कि अपने एनालिसिस स्किल्स के दम पे टीम बनाइए, जैसे आप खेलना है खेलिए, लेकिन किसी का भी कॉपी नहीं कीजिए। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो और सब टेलीग्राम चैनल जैसा और सब यूट्यूब चैनल जैसा आपको यही बोलूँगा कि 100% जैकपॉट है अपने यूट्यूब थंबनेल में, 100% हम विनिंग कराते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोई भी होल टेलीग्राम में, होल फैंटेसी वर्ल्ड में। क्योंकि दोस्तों, ड्रीम इलेवन या किसी भी फंटेसी स्पोर्ट्स में 100% विनिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर भाई 100% विनिंग पॉसिबल नहीं है, तो कोई बंदा आपको कैसे बोलता है कि मैं 100% विनिंग करा दूंगा? 100% विनिंग कोई भी नहीं करा सकता है, मैं भी नहीं। मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर बनाम मुंबई इंडियंस का मैच खेला जाना है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मुंबई इंडियंस का पहला मैच था जो 9 अप्रैल 2021 को खेला गया था, जिसमें आरसीबी बहुत ही आसानी से विन कर ली थी। दोस्तों, केकेआर मुंबई इंडियंस का आप हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर अपने आखिरी दो मैच केकेआर ने बहुत आसानी से जीत लिए है, और मुंबई इंडियंस ने आखिरी मैच एक गंवा दिया है, उसके बाद लगातार दो मैच जीता हुआ था। दोस्तों, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें इस पिच पे, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 160 है। एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर की बात करें तो एवरेज सेकेंड इनिंग 126 है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पहला बैटिंग जो करेगा उसको एडवांटेज मिल सकता है। दोस्तों, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो चेन्नई बनाम राजस्थान में 2010 में बना था 246 रन, और लोएस्ट टोटल की बात करें तो गाइस इस ग्राउंड पे आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग का मैच हुआ था 2019 में, जिसमें आरसीबी अपने लोएस्ट स्कोर 70 रन पे 10 विकेट हो गया था। दोस्तों, हाईएस्ट चेस की बात करें इस पिच पे, तो हाईएस्ट चेस 208 रन चेस किया गया था चेन्नई सुपर किंग बनाम आरसीबी के बीच, और लोएस्ट डिफेंड की बात करें तो यहाँ पे 187 रन 6 विकेट के नुकसान पे जो राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। दोस्तों, आखिरी इन दोनों टीम की मैच आखिरी हेड टू हेड की बात करें तो मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच 16 अक्टूबर 2020 को जो मैच खेला गया था, उसमें मुंबई इंडियंस ने बहुत ही आसानी से विन कर लिया था। दोस्तों, 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर सिर्फ 148 रन ही बना पाई थी, 149 रन का टारगेट दिया था मुंबई इंडियंस को, तो मुंबई इंडियंस 149 सिर्फ 17 ओवर में ही चेस कर दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात दिमाग में रखना है कि आप लोग आज की अगर टीम बनाएंगे तो मुंबई इंडियंस को एडवांटेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने केकेआर का गेम देखा होगा, सिर्फ नीतीश राणा ही चले थे, या तो आंद्रे रसल फेल थे, मॉर्गन फेल थे, दोस्तों मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज फेल थे। तो नीतीश राणा कुछ ऐसे प्लेयर है जो कंसिस्टेंट प्लेयर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते, चाहे वो एबी डिविलियर्स जैसा हो चाहे वो विराट कोहली जैसा हो, ये सब जैसे प्लेयर है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि हर मैच में चलेंगे, लेकिन वो गेल है, नीतीश राणा है, इन लोगों का कुछ फिक्स नहीं है, एक मैच में चलेंगे दूसरे मैच में
फ्लॉप हो जाएंगे। दोस्तों दूसरे मैच की बात करते हैं, पांचवा मैच खेला गया था 2020 में, केकेआर ने 146 रन मारा था और मुंबई इंडियंस ने 195 रन, यानी कि मुंबई इंडियंस ने 196 का टारगेट दिया था, 20 ओवर में सिर्फ 146 रन ही बना पाई थी। दोस्तों आखिरी मैचेस की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा सिर्फ 19 रन पे आउट हो गए थे, कृष्ण ने 49 रन मारे थे, सूर्यकुमार यादव 31 रन, ईशान किशन 28 रन, हार्दिक पांड्या 13 रन। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे रोहित शर्मा 19 रन पे आउट हो गए थे। तो यहाँ पर फैंटेसी में क्या होता है, सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक मैच में कोई भी प्लेयर आउट होगा तो उसके बाद से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत ही बड़ा गलती किए हुए हैं। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए फैंटेसी बाय आशीष, आप जैसे ही फैंटेसी बाय आशीष सर्च करेंगे जुड़ जाएंगे बहुत ही शानदार फैंटेसी के ऑफिशियल हमारे चैनल से, जिसमें आपको बास्केटबॉल, फुटबॉल, NBA, क्रिकेट, यहाँ तक हैंडबॉल के भी टीम कभी कभी प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारा विन कर रहे हैं और आप लोग भी आके आसानी से विन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जल्दी से हम रिडायरेक्ट होते अपने ड्रीम इलेवन से और आपको बताते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। दोस्तों हो सकता है आज क्विंटन डिकॉक खेले, क्योंकि पहले मैच में क्वारंटीन हुए थे जिस वजह से उन्हें मौका नहीं दिया गया था। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा था तो वो मैच छोड़ के आए थे IPL खेलने, क्योंकि दोस्तों पैसा पैसा होता है, आजकल के प्लेयर ज़्यादा पैसा देखते हैं ना कि अपना कंट्री। दोस्तों अगर भारत में कुछ ऐसा हुआ रहता तो कोई भी भारतीय प्लेयर जो भारत का मेन प्लेयर है वो कभी भी भारत के लिए सीरीज छोड़ के नहीं जाता। तो यही होता है भारतीय में और दूसरे देश में साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो आप लोग दिनेश कार्तिक को ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में इनको ट्रॉफी करके चलिएगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है। ईशान किशन की बात करें तो सोचिएगा भी नहीं गलती से भी कि आप लोग इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप करें, क्योंकि एक ऐसा हुक्म का तिक्का है, चल गया तो आपको वन साइड विन करा देगा अगर आपके अपोनेंट ने पिक नहीं किया हो। नीचे तीन पिक्स की बात करें तो इन तीन पिक्स को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये तीनों नहीं खेलने वाले हैं आज के भी मैच में। नेक्स्ट की बात कर तो रोहित शर्मा का कुछ ऐसा फॉर्म है, या तो डू और डाई चलेंगे। दोस्तों स्मॉलिंग में तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट की प्रॉब्लम होगी, एक प्लेयर पे रिस्क लेना होगा तो मैं श्योर रोहित शर्मा पे लूँगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा प्लेयर है डू और डाई। देखिए मैं अगर इनको कभी भी पिक करता हूँ तो मेरे को लगता है ये चलेंगे, तो मैं इनको पिक करता हूँ तो सीधे कैप्टन बना देता हूँ, और अगर मेरे को लगता है ये नहीं चलेंगे तो मैं इनको डायरेक्ट ही ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट बल्लेबाज की बात करें तो एयर मॉर्गन यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सेफ चॉइस होने वाले हैं, आखिरी मैच में बल्ला नहीं चला था, लेकिन आप लोग इनको भी ज़रूर ही लेके चलिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को छोड़ नहीं सकते, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं। शुभमन गिल की बात करें तो ओपनर है, कि कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करेंगे। क्रिस लिन को भी दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, नितेश राणा को बहुत सारे लोग लेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा बात बताते हैं, देखिए यहाँ पे होता क्या है। अगर आपको याद होगा कल पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया था। दोस्तों पहला मैच में हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट विन किया था स्मॉल लीग से, आपको हमने मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना के दिया था और यहाँ पे सारे लोगों का कैप्टन था बाबर आजम। तो दोस्तों वहाँ पे कल क्या हुआ, कल के मैच में सारे लोगों ने कैप्टन बनाया था मोहम्मद रिजवान को, हमने कैप्टन बना के दिया था बाबर आजम को, बाबर आजम ने बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी जड़ दिया था। तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है जो लास्ट मैच में प्लेयर परफॉर्म करता है, जैसे कि लास्ट मैच में नीतीश राणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 119 पॉइंट किए थे। तो दोस्तों जो मुंबई इंडियंस की टीम है वो प्लान बना के आती है नीतीश राणा का वीक पॉइंट, वीक जोन नज़र में रखते हुए, यानी कि जो प्लेयर अपने आखिरी मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया रहता है उसके लिए ज़्यादा प्लान बन के आता है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मतलब कम चांस रहता है कि जो आखिरी मैच में अच्छा परफॉर्म किया है वो इस मैच में भी करेगा। लेकिन दोस्तों IPL है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी फाइनल टीम रहेगी, अगर प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं रहता है दोस्तों, अगर कोई भी चेंज रहता है तो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में टीम प्रोवाइड कर दी जाएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन के डिफ़ॉल्ट पिक आज क्रिस्टलिन रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग साकिबुल हसन को भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा जसप्रीत बुमराह के साथ वाइस कैप्टन, कैप्टन की बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टलिन है, तो ईशान किशन के साथ भी जा सकता हूँ। अभी के लिए शुरू
कुमार यादव को बना रहा हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम किसी को भी बना सकते हैं। टीम की बात करें तो अभी मेरे को नहीं पता है कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा। क्विंटन डिकॉक खेलता है तो आप लोग उनको ले सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उनको ड्रॉप करके ही चलूँगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ही जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार विनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे तरफ से मिलता रहता है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नहीं आए हैं तो और सब चैनल जैसा बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, लॉस हो रहा है हमारी टीम के साथ, खेलिए विन कीजिए, उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है क्या रिस्पॉन्स देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।